ऑलराइट दोस्तों, मैं इतना जबरदस्त स्मार्टफोन लेकर के आ गया हूँ, वो भी स्पेशल फॉर गेमिंग। और अगर आप लोग इस फोन के बारे में जान लोगे तो समझ लीजिए पबजी उबजी आप लोगों के हलवा हो जाएगा। बिगिनर होगे ना तब भी आप लोग एकदम किल पे किल चिकन डिनर गोया फ्री फायर मैक्स में भी आप लोग एकदम आराम से ले लोगे अगर ये जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी कौन कौन सा स्मार्टफोन है। बट उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि पता चल सके कौन कौन सा स्मार्टफोन है। और अगर नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं हूं एमएनजी और आपका मेरे चैनल एमएनजी यूट्यूब पर बहुत-बहुत स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। लेट्स स्टार्ट विद द गेम। दोस्तों जो पहले नंबर पर स्मार्टफोन आने वाला है उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर ये स्मार्टफोन आप लोगों ने ले लिया विद द क्राइटेरिया जो मैं बताने जा रहा हूं तो आप गेमिंग के मास्टर ब्लास्टर ही नहीं, सबसे अलग से ही आपकी गेमिंग में बिल्कुल जगह होने वाली है अगर ये स्मार्टफोन स्पेसिफिकेशन पे जो भी है वो आप लोगों ने ले लिया। तो स्पेसिफिकेशन की बात करें, अगर जो चार्ट में मैंने बनाया हुआ है तो कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है कि 8100 मीडियट एक डेमेंसिटी का प्रोसेसर होना चाहिए, LPDDR5 रैम होनी चाहिए, कम से कम स्टोरेज जो आपकी होनी चाहिए 128GB की स्टोरेज होनी चाहिए और साथ में 45mAh बैटरी आपकी होनी चाहिए कम से कम। ये अगर ये सारी चीज है आपके पास और आपने ये स्मार्टफोन ले लिया दोस्तों तो यकीन मानिए यू आर द किंग एंड यू विल बी द किंगेस्ट ऑफ द योर किंगडम। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। तो पहले नंबर पे जो स्मार्टफोन है, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इट डजंट मैटर कि पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पे कौन सा है, आपका जो दिल करेगा आप ले सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट द कि डब्बे में क्या क्या मिलने वाला है, साथ में बता दूं कि आखिरी में मैं नाम बताऊंगा। ओके, तो वीडियो पे बने रहो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि डब्बे में क्या क्या मिलेगा। एक आपको सफेद कलर का केस मिलेगा जो कुछ दिन के बाद कीड़ा पड़ेगा उसको निकाल के फेंक देना, ये काम का होता नहीं है, वैसे भी लोग नया उसमें लगा ही लेते हैं। एक चार्जर मिलेगा, एक आजकल फालतू वाली चीज जो उसमें मिलती है पेपर, वो सबसे ज्यादा उसमें मिलना, सब फेंको, ये सब चीज कोई काम की नहीं है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बिल्ड एंड डिजाइन की। तो आपको फ्लैट एज मिलने वाली और इतनी धारदार मिलने वाली जिससे आप अपने घर की भिंडी काट लो, ऐसे करो कचर कचर में काट लो, और ऐसा छेद मिलने वाला है जिसकी आप लोग तलाश करते रहते हो। क्या सोच रहे हो, अरे भाई 3.5mm जैक वाला आपको छेद मिलने वाला है, और कुछ नए फालतू का गंदा बंदा सोचो नहीं, समझे कि नहीं, जिसमें आप वायर वाला हेडफोन लगा के एकदम बिंदास से देख सकते हो, क्योंकि उसमें आप गेम ही खेलोगे हेडफोन लगा के, और कुछ तो करोगे नहीं मेरे ख्याल से, कर लोगे। खैर अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो देखो परफॉर्मेंस पर एकदम मेन चीज यही है कि जिससे आप लोग राजा बन जाओ। परफॉर्मेंस आपको मिले डेमेंसिटी 8100 का चिपसेट मिलने वाला जो कि 5nm पर बेस है, एकदम मक्खन मलाई रबड़ी मलाई जैसी आपको स्मूथनेस मिलेगी। LPDDR रैम का सपोर्ट मिल जाएगा, 8GB रैम है, एकदम जबरदस्त मक्खन मलाई वाली 128GB, और बैटरी आपको जो मिलेगी 5080mAh की बैटरी मिलेगी। अगर कैमरे की बात करें ना तो यार देखो बस सही फोटो खींच जाती है, ज़्यादा कैमरे पे फोकस वोकस हमें नहीं करना, समझे कि नहीं, इसलिए हम कैमरे वाले फोन बता नहीं रहे हैं। अच्छा कौन सा फोन है ये, तो Redmi K50i, ये बहुत ही धांसू फोन है, ये ले लोगे फोन तो एकदम कहोगे मन्या सुरवे। ओके लेट्स टॉक अबाउट द अगला वाला स्मार्टफोन। तो दोस्तों ये वाले स्मार्टफोन में भी डब्बे में यार सेम ही चीज मिलती है, यार क्यों बार बार मुझको बताने में मजबूर करते हो कि क्या चीज मिलती है। एक सफेद कलर का केस मिलता है जो बाद में पीला पड़ जाता है, एक चार्जर मिलेगा, एक आपको कन्वर्टर मिल जाएगा, ये आलतू फालतू चीज मिलेगी, डिस्प्ले बहुत अच्छा मच की तरह एकदम चलेगा, जैसे लगेगा कि पानी में बोट में बोट चला रहा है, जैसे पानी में लगेगा ऐसे बोट चला चला एकदम मक्खन चलेगी। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की दोस्तों, तो परफॉर्मेंस भी आपको एकदम मक्खन मिलने वाली है। स्नैपड्रैगन 870 का आपको इसमें सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है। LPDDR5 भी आपको इसमें मिल जाएगी 8GB रैम के साथ, कि ऐसा लगे कि हायाबुसा खरीद लिया, हाया कि हायाबुसा तो यार आदमी सपोर्ट कर ही नहीं पाता।
और बात करते हैं अब बैटरी की दोस्तों, तो बैटरी आपको 4700 mAh की मिलेगी यार। कैमरे पे इतना पेमेंट करना है, कैमरे में की बात नहीं करेंगे, बस ये है कि सही फोटो वोटो खींच जाएगी। नाम क्या है इसका? iQOO Neo 6 5G। यस, बिल्कुल आपने सही सुना। अब बात करते हैं अगले स्मार्टफोन की दोस्तों ये वाला जो फोन है ना, यकीन मानिए अगर इसको आपने ले लिया तो ये बन जाएंगे आप सलाम ये ऐसे ऐसे करने आप लगेंगे अगर ये वाले फोन आपने ले लिया। दोस्तों इसकी स्पेक्स इतनी जबरदस्त है, बिल्कुल iQOO Neo 6 5G की तरह ही इसकी एकदम सेम टू सेम स्पेक्स है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है वो भी बैटरी में। बैटरी दोस्तों इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, 4500 mAh की बैटरी आपको मिलने वाली है। थोड़ा मोड़ा सा कैमरे पे फर्क आएगा, ज्यादा फर्क आएगा नहीं। नाम दोस्तों इसका MI 11X 5G। यस दोस्तों ये तीनों की तीनों स्मार्टफोन बहुत ही जबरदस्त है। अब आते हैं कंक्लूजन पर। मैं पहले रेट बता दूं कि 30,000 रुपए में आप राजा एकदम आराम से बन जाएंगे, गेमिंग के बनेंगे राजा, और किसी चीज के नहीं। घर में जाएंगे ना अम्मा चप्पल है चप्पल मारेगी। ओह माय गॉड, वाओ, राजा बनना है। सलाम रखती भाई, ज्यादा ऐसा चीज करने की जरूरत है नहीं, समझे कि नहीं। कंक्लूजन पर आते हैं दोस्तों, तीनों की तीनों स्मार्टफोन बहुत ही धांसू है। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चैनल पे अगर आए हो नए तो सब्सक्राइब करते हुए जाना, बिगैर सब्सक्राइब करे जाना नहीं। जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना उस पर सर फोड़ लो अपना, लाइक वाले पे सर फोड़ लो, जो दिल करना है कर लो, उसको तोड़ो मरोड़ दो, अपना फोन पटक दो, फिर जाओ यही तीनों में से कोई भी एक स्मार्टफोन लाओ, मस्त सा बढ़िया सा चाय लो और बैठ के गेम खेलो और बन जाओ राजा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप सब्सक्राइब।